हमेशा की तरह ये बच्चे शाम के वक्त टहलने निकले हैं और ये आपस में मिठाइयों और चॉकलेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। मैं तो नकाब पोश चॉकलेट लूंगा। नियंता, मैं तो हर्बल मिंट लूंगी। पता है वो जबड़ों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इतना ही नहीं, वो सेहत के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। मुझे लेमन फ्लेवर पसंद है। और तुम्हें? मुझे पसंद है। अरे हमें तो पता भी नहीं चला हम बूढ़ी दादी की दुकान के पास आ गए हैं। क्या हम यहाँ से चॉकलेट खरीदेंगे? सुना है वो बहुत ही गुस्से वाली है। मुझे याद है मेरे डैड कहा करते थे कि वो उन्हें बहुत डांटा करती थी। डैड कहा करते थे? मतलब ये दुकान इतनी पुरानी है? फिर तो तुम्हारे डैड के मुताबिक वो हमें भी डांट सकती है। फिक्र मत करो, वो नहीं डांटेंगी। अगर हम अच्छे बच्चे बनकर रहेंगे तो वो क्यों डांटेंगी? चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दादी माँ। क्या तुम्हें चॉकलेट नहीं चाहिए? हाँ चाहिए तो सही, पर न्यागो तुम अभी भी तय नहीं कर पाए। ठीक है, सोच कर बताना। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बच्चों फिर से जरूर आना। बाय बाय। जरा रुको तुम सारे। ये किसने गिराया, जल्दी बताओ। मैंने जानबूझकर नहीं गिराया, अपने आप गिर गया होगा। मैं कोई बहाना नहीं सुनना चाहती, जल्दी से इसे उठाओ। कचरे को हमेशा कचरे के डिब्बे में डालो। सच में ये बूढ़ी औरत बहुत डांटती है। वो इतनी बुरी भी नहीं है, वो तभी डांटेंगे जब तुम कोई गलत काम करोगे। अब क्या हो गया? मैं बूढ़ी दादी के घर अपना पर्स भूल आया। अब अगर तुम वापस जाओगे तो वो तुम्हें जरूर डांटेगी। अब मैं क्या करूं? पता नहीं तुम अपना पर्स कैसे भूल सकते हो। अगर तुम दोबारा वापस जाओगे तो वो तुम्हें काल कोठरी में बंद कर देगी। और एक बार अगर तुम उसके अंदर चले गए तो फिर कभी बाहर की रोशनी नहीं देख पाओगे। मैं तो फंस गया। क्या तुम सब मेरे साथ वहाँ नहीं चलोगे? मर गया। लगता है वो यहाँ नहीं है। ये लो तुम्हारा पर्स। मानती हूँ कभी कभार अपनी चीजें रखकर भूल जाते हो, मगर पर्स तो जरूरी होता है। तुम्हें इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। कोई बात नहीं, आज के बाद ख्याल रखना। हाँ जरूर। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। अच्छा ठीक है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय। होने का मतलब ये नहीं कि बड़ों को हेलो ना कहो। हम बड़ों का आदर करना तुम भूल कैसे जाते हो? हेलो, कैसी आप? हेलो, मैं अच्छी हूँ। मुझे बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। कोई बात नहीं। तुम्हें चाय पीने की इच्छा है ना बेटी? आपको कैसे पता चला? मैंने चाय बनाई है, क्या तुम मेरे साथ बैठ कर चाय? कहीं बूढ़ी दादी ने उसे काल कोठरी में तो बंद नहीं कर दिया ना? बाप रे, ये क्या, उन्होंने अंदर से कड़ी लगा दी है। वो ठीक तो होगा ना? तुम कैसे
कैसे बच गए? उस बूढ़ी दादी ने तुम पर गुस्सा नहीं किया? बिल्कुल किया होगा, जब हम तीनों गए थे तो हमें भी तो डांट पड़ी थी, तो ये कैसे बच सकता है? तुम्हें पता है नियांडर को भी डांट पड़ी तो हमें कैसे नहीं पड़ती? हम किस खेत की मूली है? अरे लेकिन नियांडर को क्यों डांट पड़ी? क्योंकि उसने हेलो नहीं कहा। इस पूरे कैट टाउन में तुम्हें बूढ़ी दादी के अलावा एक भी ऐसा नहीं मिलेगा जिसने नकाबपोश को डांटा हो। खड़ूस बुढ़िया। ये सब छोड़ो, मुझे लगता है हमें उनकी मदद करनी चाहिए। बच्चों तुम लोग ठीक से सफाई करना। जी हाँ। वो तो नियाको ने मुझसे कहा, नहीं तो मैं ऐसे काम बिल्कुल नहीं करता। ये तो मैं अपने घर पर भी नहीं करता। आ, बच गया। सारे बच्चे मन लगा कर सफाई करो। अरे तुमने मुंह में क्या डाला? नहीं गुड्डी तो नहीं। ठहर जा, वापस आ। नहीं नहीं नहीं, रुक जाइए रुक जाइए। अरे रुक जा ओ बूढ़ी दादी। अरे वो दोनों के दोनों कहाँ गायब हो गए? ये मैं हूँ। क्या वो बहुत नाराज हैं? हाँ बहुत। क्या वो भूल है? लगता है भाग गया। ये क्या, ये कड़ी खुली कैसे रह गई? ओ कितना तेज भागता है ये लड़का। समझ में नहीं आता मैं यहाँ आया ही क्यों था। ये तो डरावनी जगह है। फंस गए, लगता है बाहर नहीं जा पाएंगे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है नियाको, चलो यहाँ से। ये तो खुल ही नहीं रहा। दादी से अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग कर आ जाओ। घबराओ मत, बिना डरे बस माफ़ी मांग लो, वो तुम्हें नहीं डांटेंगी। लेकिन मुझे थोड़ी शर्म आ रही है। तुम फिक्र मत करो, बड़ों से अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगने में शर्म नहीं होनी चाहिए। अगर हम अपनी गलती मान ले तो आगे बढ़ेंगे। हाँ वो तो है, मगर नियागो अभी भी अंदर है। तुम उसकी फिक्र छोड़ दो, मैं उसे बचाता हूँ। तुमसे जितना कहा प्लीज उतना करो। ठीक है। मैं उस खिड़की को ठीक कर देता हूँ। लो अब ठीक हो गई। मैं आपसे अपनी गलती की माफी मांगता हूँ। कोई बात नहीं बच्चे। सुनो अब जल्दी से अपने अपने घर चले जाओ। मैं उन्होंने खूब डांट खाई, लेकिन हर बार उनके कदम बूढ़ी आंटी की दुकान की ओर खींचे चले आते। उनके दुकान की बात ही निराली थी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, हम लौटेंगे एक और रोमांचक कहानी के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।